कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा गुड़िया मामले को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जुब्बल कोटखाई से भाजपा उम्मीदवार नीलम सरेग ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, गुड़िया मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दिया बयान निंदनीय है और ये उनके विचारों को दर्शाता है जो कि महिला विरोधी है। नीलम सरेख ने आगे कहा कि गुड़िया का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज ऐतिहासिक आपराधिक मामलों में से एक है। ये भाजपा ही है जिसने सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसने मामले को सकारात्मक दिशा दी। उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद है कि प्रतिभा सिंह ने हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है। नीलम सरेख ने आगे कहा कि 2017 में गुड़िया कांड कांग्रेस के दौरान हुआ था। कांग्रेस ने इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की थी। कांग्रेस नेताओं ने सबूतों से छेड़छाड़ की, जिससे जांच एजेंसियों को गुमराह किया गया और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक DW नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह अपने तथ्य को स्पष्ट करे कि सूरज की हिरासत में मौत के कारण कोटखाई पुलिस चौकी क्यों जला दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह को उनके इस तरह के बयान के लिए आम जनता और गुड़िया के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। उनकी टिप्पणी उनके राजशाही व्यवहार को दर्शाती है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और संसद सदस्य के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो नारी संवेदनहीनता वाला बयान है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। हम उनकी कड़ी शब्द में इसकी निंदा करते हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़ी कर देने वाली जो वारदात गुड़िया कांड का जो एक जघन्य अपराध जो हुआ था उसको एक मामूली सी घटना करार देना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रतिभा सिंह जी एक महिला है और एक महिला होते हुए आप एक बेटी और एक नारी के प्रति ऐसी सोच रखी है जिससे पूरा समाज आहत है। नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और गुड़िया कांड को एक मामूली सी घटना बताना, एक छोटी सी वारदात बताना प्रतिभा सिंह जी की रजवाड़ी शाही वाली जो सोच है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है हम सब उसका सम्मान करते हैं। गुड़िया को न्याय मिला नहीं मिला ये विचार उनके माता पिता को करना है, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है उनको जनता और उस बदनसीब बच्ची के माता पिता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।